हम गमछी बिछा के फ्लोर ऑफ द हाउस वहाँ बैठ के आगे चेयरमैन के शहर के नीचे मोदी को गिरफ्तार करो मोदी को, नहीं तो नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को कि राजधर्म ये कोई चीज होता है राजधर्म, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नेता थे, और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी के लिए लालू प्रसाद यादव सदन में चेयर के नीचे गमछा बिछाकर धरने पर बैठ गए थे, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम धरने पर से उठेंगे नहीं। दरअसल विपक्षी एकजुटता की तीसरी बैठक मुंबई में समाप्त हुई। समाप्ति के साथ तमाम नेता जो है वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जब बारी आई लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव तकरीबन 12 मिनट तक भाषण दिए। उस दौरान उन्होंने उस दिन को याद किया जब राज्यसभा में गमछा बिछाकर धरने पर बैठ गए थे। लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। हम थे राज्यसभा में, थे उन दिनों में भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे, और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना, और इनको इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सब लोगों को मालूम है किस तरह का इनका इतिहास रहा है। हम गमछी बिछा के फ्लोर ऑफ द हाउस वहाँ बैठ गए आगे चेयरमैन के शहर के नीचे। हम कहा कि मोदी को गिरफ्तार करो मोदी को, नहीं तो नहीं उठेंगे। चारों तरफ से हाउस गर्म हो गया हाउस, और गर्म होने के बाद काफी इनको परेशानी हुई, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नेता थे, वैसा नेता हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को कि राजधर्म ये कोई चीज होता है राजधर्म, लेकिन जो आदमी गिरफ्तारी के बाद इतना सारा विपक्ष सब लोग हम लोग जुट गए थे कि भाई कम से कम कंडेम भी करो उनके एक्शन को, नहीं किया ये लोग। डिप्लोर बन मतलब किया कि वो भी नहीं, अंदर से नहीं निकले लोगों को कि हम निंदा करें, इतने बड़े नरसंहार हुआ था, क्या क्या हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं। हम सब लोग ज्यादा भाषण नहीं, भाषण का तो मेरा, हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दी निकल गई, अच्छा चले, सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी अगर प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन अभी निकल गया। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते हैं। फ्लाइट का टाइम आ गया। तो आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, अदाब करता हूँ। हम सब एक हैं, और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट होकर के सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे, और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जिंदाबाद। तो आपने सुना लालू प्रसाद यादव को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम कोई पहली बार या फिर नया नहीं है जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से हम तब से लड़ रहे हैं जब इन्होंने गुजरात में दंगा करवाया था। एक डर एक भय का माहौल पूरे देश और विदेशों में भी था, और उस वक्त हम राज्यसभा में धरने पर बैठ गए थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम राज्यसभा में थे उन दिनों में भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, गुजरात में जब हिंसा हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने भी अपने नागरिकों को मना कर दिया था भारत मत जाना, और इनके प्रवेश पर भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सभी लोगों को मालूम है कि इनका इतिहास क्या रहा है। हम गमछी बिछाकर फ्लोर ऑफ में चेयरमैन के चेयर के नीचे बैठ गए और कहा कि मोदी को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम नहीं उठेंगे। चारों तरफ हाउस गर्म हो गया। गर्म होने के बाद काफी उनको परेशानी हुई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि राजधर्म भी कोई चीज होती है, राजधर्म का पालन कीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसी की सुनी नहीं थी। तमाम जो नेता थे
सत्ता पक्ष के वो आलोचना भी नहीं किया, लेकिन विपक्षी पार्टियां हमारे साथ खड़ी थी जब हम धरने पर बैठ गए थे, और उस वक्त से हमारी लड़ाई है नरेंद्र मोदी से। आज भी हम उतना ही मजबूत हैं जितना कल थे। आज तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट हो गई है और नरेंद्र मोदी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। लालू प्रसाद यादव का यह भाषण काफ़ी चर्चा हो रहा है। लालू प्रसाद यादव उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो मोदी को गिरफ्तार करने के लिए धरने पर बैठ गए थे सदन में। हालांकि उस मंच से उन्होंने तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ भी करते दिखे और उन्होंने कहा कि बेहद ही सभ्य व्यक्ति थे, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि राजधर्म का पालन कीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। खैर, आज हम सभी लोग एकजुट हुए हैं तो नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। लालू प्रसाद यादव, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं पर हमला बोला और चुनाव के वक्त में जो वादे किए गए थे, चाहे वो 15 लाख को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, काला धन वापस लाने को लेकर हो, तमाम बातों का जिक्र लालू प्रसाद यादव करते नजर आए। आपने सुना लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, लालू प्रसाद यादव के इस भाषण को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।